23 मई 2022। तो इस तेज गर्मी में मेरे गार्डन में लगे हुए कुछ गुलाब के पौधे हैं जिसके ग्रोथ बहुत ही अच्छे हैं और अभी फ्लावरिंग हो रहा है, तो वो कैसा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि देखिए कुछ प्लांट है जिसे मैं यहाँ पर छांव पर रखा हूँ, और छांव पर रखने के बाद प्लांट का ग्रोथ देखिए कितना अच्छा हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी प्लांट पे ही फ्लावरिंग आना शुरू हुआ है, और कुछ प्लांट पे अभी तो बर्ड्स आए हैं, आने वाले समय में बहुत सारे फूल खिलेंगे। तो बस मैं केयर कुछ किया नहीं हूँ, सिर्फ इसे छांव पर रखा हूँ और हर दिन वाटरिंग करता हूँ। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है। प्लांट को अगर आपके पास रोज के प्लांट्स है तो उसे आप छांव पर डालिए बिना किसी केयर किए, सिर्फ पानी देकर इस समय आपको बहुत सारे फूल मिल सकता है। सभी प्लांट मेरे क्ले पॉट के अंदर लगे हुए हैं। इनमें से कुछ इंग्लिश प्लांट है, कुछ देसी प्लांट, और कुछ प्लांट को मैं कटिंग से ग्रो किया हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो रेड फ्लावर खिल रहा है इसे मैं कटिंग से ग्रो किया था। यहाँ पर एक प्लांट है कटिंग से ग्रो किया हुआ। वहाँ पर जो व्हाइट कलर में फ्लावरिंग खिल रहा है वो देसी गुलाब है। हालांकि विंटर सीजन में इसके कलर तो पिंक होते हैं, लेकिन अभी देखिए एकदम व्हाइट है अभी। और इस साइड पे कुछ प्लांट रखा हुआ है, दो प्लांट रोज के, और इसका ग्रोथ देखिए एकदम बहुत ही खराब है क्योंकि धूप में रखा हुआ है प्लांट। हालांकि एक फूल तो खिलने वाला है, लेकिन ग्रोथ देखिए पत्ते एकदम छोटे छोटे से होना शुरू हुआ है। इसके ग्रोथ तो बहुत ही खराब है, नया ब्रांचेस भी निकल कर नहीं आए हैं और सिर्फ एक आध ब्रांच है। तो फुल सनलाइट पे रखने की वजह से प्लांट का ग्रोथ ऐसा हुआ है, और जिसे मैं लास्ट एक महीने पहले ही छांव पर रखा हूँ उसमें देखिए बहुत सारे ब्रांचेस भी निकल कर आए हैं और फूल भी खिलना शुरू हुआ है। तो इस समय आप पौधों को ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है, सिर्फ छांव पर रखिए और वाटरिंग कीजिए। अगर आप खाद देना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल कीजिए। अभी इस समय थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप भर्मी कॉम्पोस्ट या फिर काउडांग या फिर मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक खाद देना चाहते हैं तो एनपीके या फिर डीएपी पोटास का मिक्स भी दे सकते हैं। एनपीके और डीएपी पोटास का मिक्स आप आधा टीस्पून करके हल्की गुड़ाई करने के बाद ही प्लांट पे दिया कीजिए, तो आपके प्लांट पे इस तेज गर्मी में भी फ्लावरिंग होता रहेगा। तो जैसे कि देखिए, जैसे में कि मैं बताया, सभी प्लांट पे बर्ड्स आए हैं और सभी प्लांट्स पे ही फ्लावरिंग शुरू हुआ है। जिसमें अभी भी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुआ है उसमें बर्ड्स आना शुरू हो चुका है और बहुत सारे ब्रांचेस भी आ रहे हैं। तो विंटर सीजन में फ्लावरिंग खत्म होने के बाद, मतलब मार्च के एंड पे, मैं प्लांट की एक बार हार्ड प्रूनिंग किया था। जैसे कि देखिए, प्लांट पे हार्ड प्रूनिंग करने के बाद नए नए से ब्रांचेस आए हैं। हालांकि एक महीने पहले ही मैं प्लांट को छांव पर रखा हूँ। यहाँ पर भी देखिए हार्ड प्रूनिंग कर दिया था। तो साल में दो बार आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, एक तो मार्च के टाइम पे और एक बार आप अक्टूबर में हार्ड प्रूनिंग जरूर कीजिए प्लांट पे, तो आपके प्लांट पे पूरे साल भर ही फ्लावरिंग खिल सकता है, चाहे वो देसी हो या फिर इंग्लिश गुलाब हो। ये देखिए हार्ड प्रूनिंग में किया था यहाँ पर भी। तो बस छांव पर रखते ही मेरे प्लांट पे बहुत सारे नए नए से ब्रांचेस निकल कर आए, बहुत सारे लीव्स और बर्ड्स भी आना शुरू हो चुका है। हालांकि फूल के साइज तो थोड़े से छोटे हैं अभी, तो देखते हैं आने वाले समय में इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग दोबारा शुरू होगा और मैं आप लोगों के साथ इसका अपडेट जरूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे गुलाब पौधे के बारे में, समर केयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।